राजनीति की हर खबर को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन को भी दबाइए। नमस्कार, कहानी के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मुर्तजा खान। आज हम कहानी के एपिसोड में बात करेंगे क्या नरेंद्र मोदी जी का इस बार आना मुमकिन है या नामुमकिन है। लोकसभा चुनाव 2019 के 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं। 373 सीटों पर मतदान हो चुका है, 69% यानी मतदान हो चुका है। 169 सीटों पर अभी मतदान होना बाकी है और 3 चरणों का मतदान अभी बाकी है। 5वां जो मतदान है वो 6 मई को होना है। 6ठा मतदान जो है वो 12 मई को होना है। वहीं लास्ट मतदान 19 मई को होना है और 23 मई को नतीजे आने। इन 3 चरणों में जो मतदान होने वो 169 सीटों पर मतदान होने। 2014 की बात करें तो 2014 में इन 69 सीटों में से 116 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। देखिए, 169 सीटें यानी 169 सीटों में से 116 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी 2014 में। जब भी आप देख रहे होंगे, पूरी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, पूरे भारतीय जनता पार्टी इन 3 चरणों में लगी हुई है कि कम से कम 100 सीटें तो मिल ही जाएं इस बार। और आप इस बार नरेंद्र मोदी जी की भाषा भी देख रहे होंगे, पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री की ऐसी भाषा आपने कभी नहीं देखी होगी। जो इस बार जो भाषा का स्तर है प्रधानमंत्री का, वो गिरा है। ऐसे पूरे दुनिया में आप उठा के देख लिए, कभी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है पहले ना। जहाँ 2014 में भी कभी ऐसा, इससे पहले इस बार ही ऐसा भाषा का प्रयोग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है। वहीं बता दूं, इन 169 सीटों में 2014 में 116 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। बड़ी सोच की बात ये, जो हमारा चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन, जो वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और ना ही अमित शाह जी के ऊपर। एक भाषा का जो स्तर है, ऐसे ऐसे भाषा का प्रयोग हो रहा है प्रधानमंत्री की ओर से, जो चुनाव आयोग है उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। पूरा एक जो है विपक्ष जो है, कांग्रेस पार्टी और भी जो सारे विपक्ष हैं, छोटी छोटी पार्टी, शिकायत करने जाते हैं चुनाव आयोग से, पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और ना ही अमित शाह जी के ऊपर। ऐसे दुनिया का कोई इलेक्शन कमीशन आप उठा के देख लिए, पूरी दुनिया में कोई ऐसा इलेक्शन कमीशन नहीं होगा जो ऐसी भाषा स्तर को बोल रहा हो कि चुनाव जो उल्लंघन जो है आचार संहिता का, वो उल्लंघन नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र, साफ साफ उल्लंघन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो चुनाव आयोग ने कह भी रखा है कि सेना का नाम नहीं लेना है रैलियों में। जब भी प्रधानमंत्री पुलवामा का नाम, पाकिस्तान का नाम, सेना का नाम, हमने अंदर घुस के मारा, ऐसे मारेंगे, ऐसी आपको चाहिए सरकार तो आप हमें वोट दिए। पहला वोट अगर युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, आपका क्या पहला वोट इन जो पुलवामा में अटैक किया उसके नाम जा सकता है? देखिए, ये तो साफ-साफ उल्लंघन हो रहा है प्रधानमंत्री जी और की तरफ से। पर हमारे जो दुनिया का आप कोई भी चुनाव आयोग उठा के देख लिए, ऐसे चुनाव आयोग आपने कभी नहीं देखा होगा जो बिल्कुल क्लियर साफ बोल रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी उल्लंघन नहीं कर रहे हैं आचार संहिता का। जो 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं, जिसमें 373 सीटों पर मतदान हो चुका है, मानना आरएसएस का और बीजेपी का मानना ये कि भारतीय जनता पार्टी इसमें से 100 सीटें जीतेगी। वहीं 169 सीटों पर हम 3 चरणों में जो मतदान होना है, उसको भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का मानना है कि इसको हमें 100 सीटें तो जीतनी है। अगर 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी जो आने वाले 3 चरणों में मतदान में नहीं जीतती है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी दोबारा से प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ना ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। क्योंकि अगर 200 सीटें भारतीय जनता पार्टी की नहीं आई, तो भारतीय जनता पार्टी कैसे सरकार बना लेगी? अगर 200 से कम सरकार आती है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। ये साफ साफ दिख रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो 2014 में 80 में से 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, पर इस बार 2019 में अलग है। इस बार जो गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती दे रहा है। इस बार बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही ज्यादा भारी नुकसान होने वाला है लोकसभा इलेक्शन 2019 में उत्तर प्रदेश में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का ना ही हिंदुत्व काम आ रहा है उत्तर प्रदेश में, ना ही हिंदू मुस्लिम, वही पुलवामा में जो सेना राजनीतिकरण कर रहे हैं प्रधानमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी, वो भी काम नहीं आ रहा। वहीं टीवी चैनल पर अभी जहां पर वाराणसी में भी नरेंद्र मोदी जी नामांकन भरने गए थे, उसे पूरा दिखाया गया। वहीं अयोध्या भी गए थे, पूरा चलाया गया न्यूज चैनलों पे कि कुछ काम आ जाए इन 3 चरणों में, वो भी काम नजर नहीं आता जा रहा। ये फ्लॉप हो गया अभी नामांकन, पूरी रैली और अयोध्या दौरा भी पूरा फ्लॉप नजर आ
आ रहा है होता हुआ। वहीं हम साउथ की बात करें तो सिर्फ कर्नाटक को छोड़कर वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सीटें आती दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस और जेडीएस की भी बराबरी का मामला है, भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस और कांग्रेस का बराबरी का मामला नजर आ रहा था। वहीं और जो केरला है और भी जो तमिलनाडु वहां पर भारतीय जनता पार्टी सीट निकालती नहीं दिख रही। वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी 2014 के मुकाबले 2019 में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता दिख रहा है। वहीं बचता अब है वेस्ट बंगाल यानी ममता दीनी का गढ़ और वहीं उड़ीसा, इसमें इतनी सीटें कहां से निकाल लेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना सके, लोकसभा चुनाव 2019 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा से प्रधानमंत्री बन सके। एक बात तो यह है कि जो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विकास की बात करते थे, इस बार वो पांच साल आते आते लोकसभा इलेक्शन 2019 में उनके मुंह से कोई भी विकास का शब्द भी नहीं प्रयोग हो रहा है। सिर्फ पाकिस्तान, कश्मीर, हिंदू मुस्लिम, एटम बम, सैनिक, सिर्फ ये प्रयोग हो रहे हैं। ना ही 15 लाख के जो वादा किया था वो प्रयोग कर रहे हैं, 2 करोड़ नौकरी का कोई भी शब्द प्रयोग नहीं कर रहे हैं, किसानों की अच्छी बात के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2019 के बाद अगर उनकी सरकार आती है तो वो क्या करेंगे वो भी कुछ नहीं बता रहे हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम, कश्मीर, पाकिस्तान, ये बातें चल रही हैं। नरेंद्र मोदी जी जो पाकिस्तान, कश्मीर, एटम बम और फलाना पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं ये सब जनता समझ रही है। तो इस बार नरेंद्र मोदी जी का जो प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है दोबारा से, वो मुझे लगता है कि नामुमकिन है, क्योंकि जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, जो मैं जितना पढ़ रहा हूँ वो उससे ही लग रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है दोबारा से प्रधानमंत्री बनने का, इस बार नामुमकिन नजर आ रहा है। पर सारी बातें जो 23 मई को पता चल ही जाएगा कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। चलिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या सोचते हैं लोकसभा इलेक्शन 2019 में किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा प्रधानमंत्री। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाएं ताकि हम जब भी नई वीडियो लेकर आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर लाइक कर दिए, क्योंकि मैं वहां पर भी हमेशा एक्टिव रहता हूं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।